Mumbai. Hello. Hey everybody, it's JK Boy, Mr. Gopal Gaur. Once again, welcome back to your YouTube channel. एक नए दिन से, एक नई सुबह से ट्रेन में बैठा हुआ हूँ. दिल्ली पहुँच चुका हूँ असल में. सो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं. कल सुबह 9 बजे मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा. सो रात को बड़ी मज़े की नींद आई. एसी टिकट ली हुई थी, मज़ा किया, एंजॉय किया वहाँ पे. और ये वाली थी एक्चुअली में, ये फोल्ड जो कर दी ना मेरी, ये सेंटर वाली थी, सेंटर वाली ये भी मैंने बंद करके रखी हुई है. तो एंजॉय किया. कुछ भैया वगैरह भी मिल गए थे, अभी चाय पी रहे हैं. भैया आपका नेम? कृष्णा पाटिल. हाँ कृष्णा पाटिल. इनको भी मुंबई जाना है, मुझे भी मुंबई जाना है. तो यहाँ पे सामने एक भैया बैठे थे, उनको भी मुंबई जाना है. ऊपर वाले सारे मुंबई वाले हैं. अब यूपी में हमारी एंट्री हो चुकी है. तो अभी हम यूपी पहुंचे. ट्रेन थोड़ी सी रुकी हुई है, आराम आराम से चल रही है यार. मुझे समझ नहीं है, क्या पता आराम आराम से चलना होता है इसको, कैसा होता है वो. इसी ट्रेन को ही पता होगा, ट्रेन वालों को ही पता होगा. और ये है हमारी ट्रेन, जैसे कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूँ. ये है हमारी ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन है. ये पता नहीं आगे जा रही है, कहाँ जम्मू साइड जा रही है, मुझे ये भी नहीं पता है. फिलहाल थोड़ा सा रुके हुए, बाहर आए हुए. बाहर तो बहुत गर्मी है, कड़ाके की गर्मी है, और अंदर मदार है, एसी लगा हुआ है. इधर थोड़ा सा रेस्ट के लिए निकला था और यहाँ पे मुझे कुछ सर मिल गए. सर आपका गुड नेम? अजीत कुमार शर्मा. अजीत कुमार शर्मा सर. आप? मसूद हुसैन काजी. मसूद हुसैन काजी. काजी आप कहाँ से हो? किश्तवाड़ से. डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़. दोनों किश्तवाड़ से हो? दोनों. तो आप लोग कहाँ जा रहे हो? कोटा जाना. अभी हम कोटा राजस्थान. कोटा राजस्थान क्यों जा रहे हो? मेरे फ्रेंड की बेटी वहाँ पे है, कोचिंग कर रही है. अभी उसको वापस लाना है क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आगे आने वाला है ना. ओके 70. ओके. बाकी आप बिल्कुल फिट फील हो रहे हैं? आपको गर्मी शर्मी लग रही है या फिर कैसे? बिल्कुल नहीं. ये तो आप जॉब क्या करते हो? मैं एजुकेशन में. एजुकेशन डिपार्टमेंट में. ठीक है. तो कैसा रहता है अभी गर्मी में जाना वाना? या फिर सर हम बस नेचर के साथ चलते हैं. अच्छा अच्छा. नेचर जिस ओर ले जाएगी बस मस्त हो. ये जनाब मैंने खाना ऑर्डर करा था, अब ये इसको मैं खोलता हूँ. है क्या सर? अपने हाथों से थोड़ा सा हेल्प करवा दें. हाँ ये सब्ज़ी है. अब ये पता नहीं क्या है. अब ट्रेन का खाना मेरे पास ये पहली बार है. ये कुछ दाल वाल है, ये पनीर है. 150 ले लिया और ये 150 की प्लेट. आपका इससे ज़्यादा होगा. एक और भैया ने ऑर्डर किया ना, मुझे लग रहा है उनका ज़्यादा होगा. चलो ये खाना वाना खा लेते हैं. तो आपको जो भी सब्ज़ी आपको चाहिए आप ले लो यहाँ से. ये गंगापुर वाली मैम मेरा स्वागत कर रही है यहाँ पे गंगापुर में. राजस्थान गंगापुर में पहुँचे हम. और अभी टाइम हो चुका है, अभी टाइम देखो मेरे 5:30 हो चुके हैं दिन के. इसके बाद हमें निकलना है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे. ट्रेन तो बहुत रुक रही है आज दिन को, पता नहीं क्या मसला है, क्यों रुक रही है इतनी. और निकलेंगे थोड़ी देर के बाद हम. और ये है गंगापुर स्टेशन. थैंक यू मैम. थैंक यू. मेरा स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे गंगापुर स्टेशन पे. ये है हमारी ट्रेन एंड दिस इज गंगापुर स्टेशन. क्या रेट है इसका? ये सर 50 का किलो. 50 का किलो? किलो से कम नहीं देते हो? ले लो, कम ले लो. आधा किलो दे दो ना. 20 का लो, 600 ग्राम. हाँ 20 का कर दो. 30 का, 600 ग्राम. चलो थैंक यू. यह है ट्रेन का बीच का रास्ता. मेरी सीट ये वाली है जो फोल्ड हुई है, ये वाली. मुझे रात को यहाँ पर सोना है. और ये बीच में गली, वॉशरूम यहाँ से बाहर ही है. एसी ट्रेन है, बैठ बैठ के लेट लेट के थक गया हूँ, बस ऐसे ही खड़ा हूँ. जनाब अभी भी राजस्थान से बाहर नहीं निकले हैं. अभी राजस्थान का एक और
रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कोटा है। ये भाईजान भी हमारे साथ है, पहले मैंने आपको बताया था। और आप कैसा फील कर रहे हैं अभी? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये कोटा स्टेशन है। अब इसके बाद कौन सा स्टेशन आएगा आइडिया तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अच्छा ये कोटा स्टेशन है। अभी तक हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो होप कि अगले स्टेशन तक हमारा जो इंटरनेट चल पाए। तो ये कुछ है ऐसा स्टेशन। राजस्थान में ही है ये भी, है ना? फाइनली मैं मुंबई में पहुंच चुका हूँ। मुंबई का मौसम बहुत सुहाना यार, बहुत मज़ा आ रहा है। कोई गर्मी वर्मी का नाम ही नहीं है यहाँ पे। ये देखिए इतना मज़े का मौसम है, बारिश चल रही है। और अभी जो बैंड्रा पे मेरा यू नो जहाँ पे मुझे उतरना है, ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते क्योंकि पॉज होते हैं तो लग जाएंगे। तो बैंड्रा पे मुझे उतरना है और यहाँ से बैंड्रा तक लग जाएंगे 2 घंटे लग जाएंगे 3 घंटे तक लग जाएंगे। मज़े की बात ये है कि यार मुंबई में मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी वर्मी का नाम नहीं है। तो 2 दिन को कवर करके मैं ये एक ब्लॉग डालूंगा पूरा ट्रेन का, वहाँ से बोर्डिंग का और यहाँ से ट्रेन डाउन का, 2 दिन का मिला के भी डाल रहा हूँ। मौसम बहुत मज़े का यार, बहुत अच्छा। ये देख लो, हेलो मुंबई, हेलो। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि मैं मुंबई पहुंच जाऊँ, मुंबई नहीं एक्चुअली मैं गुजरात में था। इसके बाद बैंड्रा स्टेशन आएगा, अभी फिलहाल तो गोपी स्टेशन है, बाकी से गुजरात में हूँ। तो ये है गुजरात स्टेशन का कुछ नज़ारा। बहुत सारी स्टेट्स कवर करके आया हूँ, बस ऐसे ही आपको स्टेशन दिखाए मैंने, बाकी कुछ खास दिखाया नहीं, स्टेशन दिखाए। वो वाली ट्रेन ये है गोपी स्टेशन गुजरात में। लेकिन सबसे अच्छी बात, मौसम बहुत मज़े का यार, गर्मी का नाम ही नहीं है, बारिशें चल रही है और आई इन्जॉय हियर। लोग भी इन्जॉय कर रहे हैं मुझे देख के, सब पीछे से देख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, मुझे मज़ा आ रहा है। बाय बाय सर। ये हम इस स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। बाय बाय सर, लव यू। गोपी स्टेशन है ये गुजरात में गोपी स्टेशन। सजना फाइनली मुंबई में एंट्री हो चुकी है मेरी। पहले गुजरात में तो हम लोगों को बता रहा था कि मुंबई पहुंच चुका हूँ, पर वो मुंबई नहीं था एक्चुअल में। क्यों हो रहा है भाई, अकेला था वो गुजरात था, लेकिन अभी मैं फाइनली बोड़ी वाली मुंबई पहुंच चुका हूँ। तो ये है बोड़ी वाली मुंबई का स्टेशन। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा है। मौसम भी मज़े का है। 26-27 चल रहा है, और आधे घंटे के बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा। मुझे बैंड्रा उतरना है, बैंड्रा। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बीबी? ले लो लो। पहुंचने वाले हैं अपने स्टेशन पे, हमारे साथ ट्रेन जा रही है। मज़ा आ रहा है, टेम्परेचर है नहीं, 27 है टेम्परेचर दिन का, शाम का कम हो सकता है रात का।
मुंबई पहुंच गया हूं, बांद्रा अपने स्टेशन से उतर गया हूं, ये थी ट्रेन मेरी, बहुत बार बताई मैंने आपको। तो बांद्रा पहुंच गया हूं, अभी मेरे दोस्त आएंगे वो मुझे रिसीव करने, सलमान भाई, सलमान खान सर वो आएंगे मुझे रिसीव करने, मैं उनके साथ उनके पास जाऊँगा, तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। रात को मेरी एक और ट्रेन है, वो है दादर से, दादर टू मैसूर, तो फिलहाल दिन मैं उनके पास बिताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे टैक्सी पे मैं बैठ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, दिन उसके पास बिताना है, और शाम को ना मुझे फिर से दादर रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से मेरी नेक्स्ट ट्रेन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भैया की टैक्सी है और यहाँ से मुझे इन्होंने 300 रुपीज़ था और उन्होंने मुझे कम करके 250 रुपीज़ ले रहे हैं यहाँ से, जो जहाँ पे मेरी लोकेशन है अशरफिया मस्जिद के सामने मुझे जाना है। ये जनाब अभी मुंबई का नज़ारा, बारिश चल रही है, लोगों ने छाते पकड़े हुए हैं और मज़े कर रहे हैं। इधर का सावन तो शुरू हो गया जनाब। सर जनाब फाइनली कंट्रोवर्शियल मैन के पास में पहुंच चुका हूं, जिनकी मेंटर में कंट्रोवर्सी चल रही है, सलमान खान। वो मुझे उनसे बात हुई मेरी, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा, मैंने कहा मैं बिजी हूं, मेरे एक और दोस्त मिल गए, सलमान खान भाई के पास बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले ये हैं अपने शहराज मीर भाई। सो इन्होंने मुझे आज रिसीव किया यहाँ पे, सो कुछ टाइम रुकूंगा इनके पास और फिर निकल पड़ूंगा मैं। अच्छा, ये काफ़ी दिनों से गायब थे हमारे भाई मेंडर से, और इनको कंट्रोवर्सीज वीडियोस हम देख रहे थे, कभी कोई वीडियोस आती थी कभी कोई, तो फाइनली मैंने इनको पकड़ लिया यहाँ पे। अच्छा, तो मैं बता रहा था ये यहाँ पे कुछ जॉब करते हैं और ख़ुद ही बताएंगे, एक बार हाय बोल दो मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। इनका नाम शहराज मीर है और ये यहाँ पे जॉब करते हैं, खुद ही बताएंगे क्या जॉब करते हैं आप। मैं एज ए बोनसर बॉडीगार्ड। एज ए बॉडीगार्ड काम करते हैं? एज ए बॉडीगार्ड। ओके, तो अच्छा है यहाँ पे, मौसम वगैरह भी अच्छा है तो मज़े कर रहे हैं? अभी तो अच्छा है बिल्कुल, बरसात वगैरह चालू है, 4-5 महीने ठंड रहेगी, फिर एक जैसा मौसम रहेगा कॉन्स्टेंटली, तो ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ठंड है, मीन्स के एक टी शर्ट में आप पूरा साल निकाल सकते हैं, ना ऊपर पहनने की ज़रूरत है ना नीचे पहनने की ज़रूरत है और ना उतारने की ज़रूरत। घर कब जा रहे हैं? घर अभी तकरीबन एटलीस्ट 3 साल के बाद, साल तो हो गया आके और 3 साल के बाद अभी जाएंगे वापस फिर से। चलो, walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette, I'm getting stronger, step by step, the clock. अच्छा, मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आपको मैंने 2 दिन का व्लॉग कवर करके एक मैं बनाया, तो शहराज भाई के साथ से किया। शहराज भाई आप आ गए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज होस्ट किया, मज़ा आया, इन्होंने खाना खिलाया, चाय पिलाया, दूध पिलाई, सब कुछ किया, बहुत मज़ा आया। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो आप जो आप फॉलोअर्स हैं आप गफार भाई के, आपके लिए मैंने एक शेर तैयार किया था। हाँ, गफार भाई इधर आए हैं तो आपके लिए सुनाता हूँ कि जिक्र मेरा अपनी सखियों से मेरे यार मत करना, जिक्र मेरा अपनी सखियों से मेरे यार मत करना, मेरे जाने के बाद मुझे बार बार याद मत करना, इनके लिए, हाँ मेरे लिए नहीं। ये जालिम दुनिया कहीं कुछ कह के बिछेड़ ना दे हमको, कोई कुछ भी कहे मगर उसकी बात का एतबार मत करना, और जो इनके लिए स्पेशल है उनके लिए है कि घर आकर अपने हाथों से सजाऊंगा मैं तुम्हें, घर आकर अपने हाथों से सजाऊंगा मैं तुम्हें, मगर शर्त यह है कि मेरे आने तक तुम श्रृंगार मत करना, और घर में लौट कर ना आ सका तुम्हारी ज़िंदगी में तो हमारे बाद तुम कभी किसी से प्यार मत करना। थैंक यू सर, ये मैंने अपने चैनल के लिए रखा था। सतीश भाई वो जा रहे हैं, वो जा रहा है अभी कॉफ़ी लाने के लिए, उनको लाना था वीडियो में। ओए सुभाष आ जा, कॉफ़ी भी लेके आएगा, आप भी आ जाओ ना। ये भी यहाँ पे शहराज भाई के साथ काम करते हैं, मेरा YouTube चैनल है, इसके लिए वीडियो में करो। इन्होंने भी बहुत अच्छे से मुझे होस्ट किया, और इनके सबसे प्यारे जो दोस्त हैं वो हैं हमारे ये सुभाष भाई, सॉरी पुष्पा, पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला, स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है ना। शादी होने वाली है इनकी, वो शादी की तैयारियां वगैरह कर रहे थे तो फोन सुनाता था, उठ के बाहर चले जाते थे, तो वही थोड़ा सा ये मजा ले रहे, कोने खोपचे पकड़ते रहते हैं बेचारे। शादी में हमें जरूर इनवाइट करना, ठीक है, शादी में डांस करूंगा मैं, ठीक है।
पैसे हम लोग लूटेंगे। हाँ, जो पैसे बाकी वाले डालेंगे वो लूटेंगे हम। फोटो भी लेना है आप लोगों के साथ। चलें, थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ, इसी को कंटिन्यू करता हूँ, ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मैं कंटिन्यू मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, मेरा ध्यान, सबका ध्यान। बाय बाय।